अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय गोल्डन किचन। आज मैं आपके लिए देगी बिरयानी लेकर आई हूँ और ये बहुत इजी घर में रेडी हो जाती है। इसके लिए हमने जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो साथ साथ बताते जाएंगे आपको और साथ साथ डालते जाएंगे। इधर हमने हाफ के जी हड्डी वाला चिकन लिया है हमने इधर, और इसमें हम मसाले पहले डालेंगे। हाफ टी स्पून हमने हल्दी ली है, एक टी स्पून धनिया पाउडर, एक टी स्पून गर्म मसाला, एक टी स्पून नमक, एक टी स्पून लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसे डाल के इसमें और ये चिकन के ऊपर इसे अच्छे से हम कोट कर देंगे, इसे मिक्स कर देंगे। नमक मिर्च हमने इधर इसको कोट कर दिया और इसे हम एक साइड पे रख देते हैं। इधर हम चूल्हे पे पैन रखते हैं। कढ़ाई हमने इधर ले लिया, कढ़ाई में हमने ये ऑयल डाल देना। ऑयल हमने लिया है हाफ कप। ऑयल हमारा इधर थोड़ा गर्म हो रहा है और इधर मैंने चावलों को बॉईल करने के लिए इधर पानी रखा हुआ है, और पानी में मैं एक टीस्पून नमक डाल दूंगी। और ये मैंने नमक डाल दिया, जब ये बॉईल होगा तो हमने उधर चावल आधा किलो चावल लिए हुए हैं, तो उसको हमने आधा घंटा पहले पानी में भिगो दिया था। जब पानी बॉईल होगा तो हम इधर डालेंगे। हमने दोनों चूल्हे यूज़ कर रहे हैं। इधर ये जो हमारा ऑयल है ये गर्म हो गया है, और आपने इसमें साबुत मसाले डाल देने हैं। साबुत मसालों में हमने एक टीस्पून ज़ीरा लिया है, और दो हमने तेज़पत्ते लिए हैं, और एक हमने बादियान का फूल लिया है, दो तीन स्टिक हमने दालचीनी की लिए हैं, दो तीन लौंग लिए हैं, और चार इलायची हमने लिए हैं। और इसको हमने खोल दिया ताकि इसका फ्लेवर जो है वो ऑयल में आ जाए, बिरयानी में आ जाए। अब ये हम ये साबुत मसाले सिर्फ अभी डालेंगे और इसे थोड़ा कड़कड़ाएंगे। ये इसको एक मिनट के लिए हमने ऐसे फ्राई किया। अब हम एक टीस्पून हमने लहसुन का पेस्ट और एक टीस्पून हमने गार्लिक का जिंजर का पेस्ट लिया, और अब हम ये डाल के इसे हम अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। चल, इसे हमें फ्राई करते हुए एक दो मिनट हो गए हैं। तो अब हम ये जो चिकन हमने मैरिनेट की हुई है इस मसाले लगा के, ये हमने सारी इसमें डाल दी। ये आपने इसे अच्छे से ऐसे फ्राई करना है और इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए चमचा चलाते हुए, और आग आपने जो है वो मीडियम रखनी है। चिकन हमारी उधर पक रही है, तो इधर हम उतनी देर ये चावल पानी को बॉईल आ गया था तो हम इसमें चावल डाल देते हैं। चावल हमने डाल दिए हैं, आपने एक बार ऐसे चम्मच चला देना है ताकि ये अच्छे से सारे पानी में मिक्स हो जाएं। अब इसे हमने बॉईल करना है। हमने इसे एक कनी चावल रखने हैं क्योंकि हम इसे दम भी लगाएंगे, तो जब ये रेडी होंगे तो फिर इसे छानेंगे तो आपको बताएंगे। तो इस तरफ हम चलते हैं। ये चिकन को हमने तकरीबन 5 मिनट इसमें भुना है। तो अब हमने इसमें दो उधर टमाटर और 3-4 हरी मिर्ची हमने ली हैं, और इसे दरमियान में हमने ऐसे काट लिया है। ये अब हम इसे डाल देंगे और अच्छे से भूनेंगे ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। अभी हमने थोड़ा सा पानी डाल देना ताकि जो मसाले हैं वो लगे नहीं। ये हमने 5-6 टेबलस्पून पानी के डाले हैं, और इसे आपने चम्मच से लगातार घुमाते हुए इसे आपने भूनना है। ये टमाटर जो है अच्छे से मेल्ट हो गए हैं और इसे हमने अच्छे से भूनना है। अब हम हाफ कप पानी डालेंगे ताकि इस ये जो हमारी चिकन है ये गल जाए। इसे ढककर हम मीडियम से थोड़ी कम आंच पे हम इसे रखेंगे ताकि चिकन गल जाए। चावलों को डाले हुए हमें 10 मिनट हो गए हैं। बीच बीच में हमने एक दो बार चम्मच चलाया है, तो अब हम चेक कर लेते हैं कि चावल जो हैं वो गल गए हैं। जो चावल हैं वो अच्छे से गल गए हैं, एक कनी रह गई है। तो अब हम इसे पानी में इसका निकाल लेते हैं, छलनी से छान लेते हैं। चिकन हमने स्लो आंच पे रखी हुई थी तो हम चेक कर लेते हैं। इसे तकरीबन 15 मिनट हुए हैं, तो चिकन हमारी जो है वो अच्छे से गल गई है। चेक कर लेते हैं, ये देखें चिकन हमारी गल गई है अच्छे से। अब आपने जो फ्लेम है वो ज़रा मीडियम से थोड़ी हाई कर देनी है, और इधर हमने हाफ कप हमने दही ली है तो इसको हमने अच्छे से ऐसे फेंट लिया है, और अब हम ये दही इसमें डाल देंगे। ये दही हमने इसमें डाल दिया है, और इसे हमने अच्छे से भूनना है कि दही जो है उसका पानी खुशक हो जाए और जो चिकन है वो सारी अच्छी तरह भून जाए और ऑयल भी बाहर आ जाए अच्छे से। आपने इसे चमचा चलाते हुए भूनना है।
ये मेरी सीरीज की दूसरी बिरयानी है। इससे पहले मैं आपको सिंपल तरीके से बिरयानी बनाना मैंने सिखाई है, तो लोगों ने बहुत पसंद की, फीडबैक बहुत अच्छा आया, तो आज मैं आपको देगी बिरयानी बनाना सिखा रही हूँ। अगर आप बिरयानी की कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो मैं आपका ज़रूर बनाऊंगी। अगर आप सिंपल बिरयानी की रेसिपी देखना चाहते हैं तो कॉर्नर पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि मैं आपके लिए नए नए खाने बनाती रहूं। चिकन जो है हमारी अच्छे से रेडी हो गई है, ये ऑयल है अलग हो गया। अब चिकन को हम किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। इसको हमने चिकन को बाउल में निकाल लिया, और इधर हमने जो चावल बॉईल करके रखे हैं, आधे चावल हम इस कढ़ाई में डाल देंगे और इसको फैला देंगे। और इधर हमने हरा धनिया लिया हुआ है, उसे काट के रखा है। और इधर हमने एक बड़ी प्याज हमने ली थी, उसको हमने फ्राई करके निकाल लिया। तो अब थोड़ा सा हम हरा धनिया डालेंगे इसमें, और साथ में ये हम थोड़ी प्याज डालेंगे ऐसे। और ये जो चिकन हमने सारी निकाली हुई है, ये सारी चिकन हम इसके सारे फैला देंगे ऐसे। सारी चिकन आपने डाल देनी है। चिकन डालने के बाद दोबारा हम चावलों की तह लगाएंगे। ये सारे चावल आपने अच्छे से इसके ऊपर डाल देने हैं। ये चावल डालने के बाद ये प्याज जो हमने फ्राई की हुई है, ये आपने इसके ऊपर फैला देनी है। और साथ में ये हरा धनिया हम डाल देंगे ऐसे। और ये हमने इधर 2-3 चुटकी हमने जर्दा रंग, इसको हमने 1 टेबल स्पून पानी में घोल कर रखा है। तो अब ये हम थोड़ा थोड़ा इधर साइडों पे, 2-3 साइडों पे डाल देंगे। इसके बाद आपने देसी घी ले लेना है 2 टेबल स्पून, या ऑयल ले लेना है, तो वो आपने इधर इसके ऊपर डाल देना है। और इसे आपने कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए रखना है। ये इसे हम कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, तो फिर बाद में आपसे मिलते हैं। ये आँच जो है वो बिल्कुल दम वाली होनी चाहिए, स्लो, तो फिर हम 5 मिनट बाद आपसे मिलेंगे। इसे 5-6 मिनट हो गए हैं, अब इसका चूल्हा हम बंद कर देते हैं। और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है। ये देखें, अब इसे हम अच्छे से मिक्स करते हैं और डिश आउट करते हैं। देगी बिरयानी बनकर रेडी है। आप इसे बनाएं, इंजॉय करें और फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया।